गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दिस इज अपना एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अबाउट इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी हुई काफी ज्यादा वोकेबलरीज स्वतंत्रता दिवस की शब्दावली सो so, आज फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और आज हम मना रहे हैं पिछहत्तरवीं वर्षगांठ हमारी आजादी की और ये हमारा सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे है और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आज का वीडियो या इससे जुड़ी हुई वॉकेबलरीज सो so, मैंने पार्टिसिपेट किया है हर घर तिरंगा मूवमेंट में तो क्या आप भी मेरे साथ हैं क्या आपने भी पार्टिसिपेट किया है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंडिपेंडेंस so, सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होती है और लिबर्टी का मतलब भी वही आजादी ही होता है इंडिपेंडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वतंत्र नेक्स्ट है स्लेव हम जो है गुलाम थे तो स्लेव का मतलब होता है गुलाम और भारत ने झेली है गुलामी जिसको कहते हैं स्लेवरी क्या कहेंगे यानी गुलामी हम लोग किसके गुलाम थे अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों को कहेंगे ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ठीक है ब्रिटिश के रहने वाले ब्रिटिशर्स अंग्रेज और अंग्रेजों ने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया था यानी कि एक कॉलोनी बनाई थी तो कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेश सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाना हम इंडिपेंडेंस डे का उत्सव मनाते हैं वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ठीक है तो सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान हमारे देश का संविधान लिखा गया था कब लिखा गया था ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान कई प्रावधान रखे गए रखे गए, confederation, confederation का मतलब होता है महासंघ। देखिए देश को आजाद कराने के लिए हमें काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा बलि, बलिदान देने पड़े तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान और किसने दिए बलिदान तो शहीदों ने बलिदान दिए हैं मार्टियर मार्टियर का मतलब होता है शहीद इसके लिए शहीदों को क्रांति करनी पड़ी थी बहुत है ना जैसे कि फ्रेंच क्रांति हुई थी इस तरीके से इंडिया में भी क्रांति हुई थी जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरी यानी कि होता है क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी ये एक एडजेक्टिव है पैट्रियॉट पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त पेट्रियोटिक पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति से परिपूर्ण या पूर्ण पैट्रियोटिज्म जो कि एक नाउन है देशभक्ति पैट्रियोट इज अउन पेट्रियोटिज्मिक देशभक्ति से पूर्ण डिवोशन देशभक्ति में जो भक्ति वर्ड होता है उसको कहते हैं डिवोशन डिवोशन आप डिवोटेड टू कंट्री हो सकते हैं डिवोटेड टू गॉड हो सकते हैं तो डिवोशन यानी भक्ति गॉड के प्रति हो या अपने देश के प्रति उसको डिवोशन ही कहेंगे तो अगला वर्ड हमारा है ट्रिटी ट्रिटी का मतलब होता है संधि ट्रिटी का क्या मतलब होगा संधि और इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब होता है कानून कानून बनते हैं उनको कहते हैं इनेक्टमेंट प्लेज यानी प्रतिज्ञा करना सरदार भगत सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि वो देश को आजाद करवाएंगे तो प्लेज ही टुका प्लेज उन्होंने प्रतिज्ञा की थी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र इंडिया इज अ बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है इंडिया जो है बड़ा एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है सो so, हमारा नेक्स्ट है फ्लैग फ्लैग जो कि नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा होता है इंग्लिश में कहें तो ट्राई कलर तो फ्लैग का मतलब होता है झंडा और उसको फहराने के लिए वर्ड आता है हॉइस्ट हॉइस्ट यानी फहराना अनपर्ल भी कह सकते हैं आप ठीक है और इसमें होते हैं फोर कलर्स ठीक है एक सेफ्रॉन होता है सेफ्रॉन यानी केसरिया वाइट यानी कि सफेद और ग्रीन यानी कि हरा ठीक है इसके साथ एक बीच में चक्र होता है और जो कि होता है ब्लू कलर का जिसमें स्पोक्स होते हैं ये हम आगे देखेंगे ठीक है आपको नजर आ रहे होंगे स्पोक्स यानी कि चक्र में तीलियां जो होती हैं वो ठीक है तो हम बताने वाले हैं कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है तो स्ट्रेंथ एंड करेज साहस का प्रतीक है सफेद रंग पीस एंड ट्रुथ यानी शांति और सत्य का प्रतीक है विथ धर्मा चक्र सो व्हाइट कलर की स्ट्राइप में होता है चक्र जिसे धर्मचक्र भी कहते हैं और ग्रीन कलर इंडिकेट करता है प्रोस्पेरिटी को यानी कि समृद्धि को यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक पिलर को लिया गया है द लॉन्ड कैपिटल ऑफ अशोक पिलर ठीक है और चक्र जो है और जिसमें ट्वेंटी फोर है, स्पोक्स हैं, हैं स्पोक्स है हमारे, so है हमारे फ्लैग के चक्र में परमवीर चक्र या पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री भारत भूषण इस तरीके के पुरस्कार मिलते हैं वो किसके मिलते हैं वैलियंट को मिलते हैं वैलियंट का मतलब होता है बहादुर वैलियंट यानी बहादुर अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे इंडिया की एक खास बात है कि यहाँ अलग अलग विविधता के लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट हो रिलीजन हो या काफी ज्यादा चीजें अलग होती हैं हर पहनावा अलग है ये विविधताओं के साथ डाइवर्सिटी के साथ भी हम यूनिटी में रहते हैं सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता का प्रतीक है सो so, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इलेक्शन इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव जो कि हर देश में होते हैं हर डेमोक्रेटिक देश की पहचान होते हैं इलेक्शन इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता याने मतदाता जो कि वोट डालते हैं और कैंडिडेट यानी प्रत्याशी जो कि लीडर्स होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा हमारा देश भाईचारे को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है सो so, फ्रेटर्निटी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया में सो so, मैं इतने ही वर्ड्स का कलेक्शन कर पाई आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ये वीडियो ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा जो कि हमारा देश काफी ज्यादा प्रमोट करता है हमारा देश में यूं ही ब्रदरहुड बना रहे इसकी कामना के साथ आज मैं आप सभी से यहीं पर अलविदा लेती हूँ सो so, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम See you in the next video. So, how was it? You like it? Right? Yippee. Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.